Hello everyone. In this video, I'm going to show how to make this diya stand with newspaper and cardboard. Let's start. So, जो चीज़ें मैं use कर रही हूँ वो चीज़ें हैं जो कि easily available में होती हैं हमारे घर पे, like newspaper, refill, brush, scissor, colors, glue and a cardboard. आप कैसा भी glue और कैसा भी cardboard use कर सकते हैं. सो मैं न्यूज़पेपर की हेल्प से पहले इसकी स्ट्रिप्स बनाऊंगी, देन स्ट्रिप्स के बाद मैं न्यूज़पेपर स्टिक्स रेडी करूंगी. ये न्यूज़पेपर लेके मैंने इसको थ्री फोल्ड किया. थ्री फोल्ड करने के बाद मैं इसकी कट करके स्ट्रिप्स बनाऊंगी. हमें ऐसे स्ट्रिप्स मिल जाएंगे, आप कैसे भी साइज़ के स्ट्रिप्स बना सकते हैं. अब हम स्ट्रिप्स से न्यूज़पेपर स्टिक रेडी करेंगे विद द हेल्प ऑफ रिफिल. सो ये स्ट्रिप के वन एज से हम इसको टाइटली रोल करना स्टार्ट करेंगे. ये बड़ा ही स्मूथली रोल होता है. इसे रोल करते हुए इसको ग्लू से स्टिक कर देंगे, फिर इसकी रिफिल निकाल देंगे. ऐसे करके हम सारे स्ट्रिप्स से न्यूज़पेपर स्टिक रेडी कर लेंगे लाइक दिस. उसके बाद हम एक स्टिक लेके इसको प्रेस करेंगे और इसको पूरा प्रेस करने के बाद इसको रोल करना स्टार्ट कर देंगे. हम इसे पूरा प्रेस करेंगे, बस लास्ट में थोड़ा सा नहीं प्रेस करेंगे क्योंकि हमें दूसरी स्टिक ऐड करना होता है. तो हम इसे ग्लू लगा के ऐसे रोल करते रहेंगे और स्टिक ऐड करने के लिए हम यहाँ पे हल्का सा ग्लू लगा के दूसरी स्टिक ऐड करेंगे, जैसे कि मैं कर रही हूँ. इसके बाद हम इसे ऐसे प्रेस कर करके सर्कल को बड़ा बनाएंगे. मैंने दो स्टिक्स तक ऐसी ओवरलैप करके रोल किया है, बट अब मैं इसको, क्योंकि मुझे इसका जो सर्कल है वो इंक्रीज़ करना है और इसे थोड़ा शेप देना है, तो अब मैं इसके कॉर्नर में थोड़ा सा ग्लू लगा के इसे कॉर्नर से फिक्स करना स्टार्ट करूँगी लाइक दिस. थोड़ा थोड़ा आपको इसको अंदर और थोड़ा थोड़ा आप इसको बाहर रखना है, तब आपको ये थोड़ा थोड़ा ऐसा शेप देगा. आपको ये तब तक करना है जब तक आपको जो साइज़ चाहिए आप वहाँ तक नहीं पहुँचते. मेरे को ये साइज़ दिया स्टैंड के लिए चाहिए, तो मैं इसकी हेल्प से इसको मेज़र कर रही हूँ. अभी मेरा कंप्लीट नहीं हुआ इसलिए मैं इसको स्टिक ऐड कर करके इसको रोल करते करते यहाँ तक पहुँच गई हूँ. अब मैं इसको ग्लू से स्टिक कर दूँगी क्योंकि मेरा ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है. जो साइज़ मेरे को चाहिए ये हो चुका है, तो एट द एंड हम इसको ओवरलैप करके स्टिक कर देंगे. तो ये अब हमारा कुछ ऐसा दिख रहा है जो कि बहुत फिनिश लुक देता है. सो मेरा एक स्टैंड का अपर पार्ट रेडी है. अब लोअर पार्ट बनाने के लिए मुझे थोड़ा सा बड़ा बनाना है, तो मैं अगेन सेम प्रोसेस से स्टार्ट करूँगी. जो मुझे अब जो स्टैंड इसके बेस के लिए बनाना है वो थोड़ा बड़ा चाहिए साइज़ में, इसीलिए मैं इसको रोल थोड़ा ज़्यादा करूँगी. इसके अपर पार्ट के लिए मैंने 2 स्टिक्स का ओवरलैप किया था, इसके लिए मैंने 3 किया है और उसके बाद इसका साइज़ इंक्रीज़ कर करके मैंने इसको इतना बड़ा साइज़ दिया है. सो मुझे इतना बड़ा बेस का साइज़ चाहिए इसलिए मैंने इतना बनाया. अगर आपको बेस साइज़ और बड़ा चाहिए तो आप इसको रोल कर करके और बड़ा बना सकते हैं. ये देखिए, ये एक छोटा साइज़ है और एक ये बड़ा साइज़ है.
छोटा वाला हमने दिए के साइज़ का बनाया है, इसको हम ऊपर लगाएंगे और उसके ऊपर हम दिया रखेंगे। सो ये बन के कुछ ऐसा दिखेगा। अब हम इसको कलर करेंगे। मैं दोनों में सेम कॉम्बिनेशन यूज़ करूँगी, गोल्डन और रेड का। मेरे बॉक्स में गोल्डन अवेलेबल नहीं था, इसलिए मैंने उसको सेपरेटली ऑर्डर किया है और मैं इस रेड कलर को यूज़ कर रही हूँ। मैं इस पूरे में रेड कलर करूँगी, दोनों में हम रेड कलर अप्लाई करेंगे, कुछ ऐसा दिखेगा। अब हम इसके बॉर्डर में गोल्डन शेड देंगे। जो कि करके कुछ ऐसा दिखेगा। अब हम इन दोनों को ग्लू की हेल्प से स्टिक कर देंगे। ऐसे करके हम इन दोनों को स्टिक कर देंगे। अब हम इसके लिए स्टैंड रेडी करेंगे। हम कार्डबोर्ड में इसके साइज़ से थोड़ा सा साइज़ बड़ा कट करेंगे, उसमें हम इस शीट से कवर करेंगे। इसमें भी हम सेम साइज़ से थोड़ा सा बड़ा साइज़ कट करके उसमें हम मार्क करेंगे सर्कल। उसके बाद हम इसमें कटिंग करेंगे इस सर्कल के मार्क तक, लाइक दिस। इसे हमें पूरे में करना है। इसके बाद हमें ग्लू लगा के इसको ऐसे ऐसे करके एक एक करके स्टिक कर देना है। ये एक एक करके ऐसे ओवरलैप होगा और ऐसे स्टिक करेंगे करके कुछ ऐसा दिखेगा। उसके बाद हम इस बाकी रिमेनिंग पोर्शन में इसका एक पेपर कटिंग करके लगा देंगे। के बाद मैं इसको सपोर्ट के लिए पेपर स्टिक से सर्कल रेडी करूँगी, लाइक दिस। मैं इसे तीन छोटे छोटे सर्कल रेडी करूँगी और उसको ब्लैक कलर करूँगी। इसके साथ साथ मैं एक स्टिक भी कलर करूँगी ब्लैक, जो कि मैं एज अ बॉर्डर यूज़ करने वाली हूँ। इसे हम ऐसे लगाएंगे। पेस्ट करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब हम ये जो तीन सर्कल हमने रेडी किए थे इसे पेस्ट कर देंगे। इससे स्टैंड को थोड़ा हाइट मिल जाता है और ये बहुत अच्छा दिखता है। जब स्टैंड रेडी हो जाएगा तो हम दिया होल्डर इस पे ऐसे रखेंगे, इसको ग्लू से स्टिक कर देंगे। ये बनने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। सेम प्रोसेस से मैंने ये दूसरा स्टैंड रेडी किया है। इसमें रोजेस एक्स्ट्रा है। रोजेस बनाने के लिए हमें कलर शीट चाहिए, उससे हमें फिर सर्कल शेप में कटिंग्स काट के लेनी है। इसे कटिंग्स काटने के बाद हम इसे सीजर की हेल्प से राउंड शेप में कट करते हुए जाएंगे। इसे ऐसी शेप में कट करना है। हम जितना ज़्यादा इसे राउंड कट करेंगे उतना ज़्यादा हमारा रोज अच्छा बनेगा। हम सारे सर्कल्स को इसी तरह कट करेंगे। इसके बाद इसको साइड से ऐसे रोल करते हुए ले जाएंगे। इसको हमें लास्ट पॉइंट तक रोल करना है और लास्ट में ग्लू की हेल्प से इसे स्टिक कर देना है। सो ये बनके कुछ ऐसा दिखेगा। हम रोजेस के बदले ऐसे सर्कल बना के उसे रेड कलर करके भी यूज़ कर सकते हैं। ऑलमोस्ट सिमिलर लुक देता है।
सो हमारे सिंपल और इजी दिया स्टैंड रेडी हैं। मैंने सेम प्रोसेस से ये छोटे दिया होल्डर बनाए हैं। एंड हियर इज़ द फाइनल लुक। मैं इसमें ये तीन टाइप के दिया यूज़ कर रही हूँ। जिस करूँगी कि मिट्टी का दिया और लीक होने वाली चीज़ यूज़ ना करें। दिस इज़ ब्रास दिया, टी लाइट कैंडल, एलईडी टी लाइट कैंडल।